आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण दोनों देशों से सूरजमुखी तेल का आयात बंद हो गया है। तेल की कीमतें लगभग 300 रुपये से 400 रुपये प्रति 15 किलो कंटेनर बढ़ गई हैं। बाजार में तेल की कमी है क्योंकि आयात पूरी तरह से बंद हो गया है। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने से पहले सोयाबीन तेल 1950 रुपये के आसपास बेचा जाता था, तो अब बढ़कर 2500 रुपये हो गया है, जबकि सूरजमुखी का तेल पहले 2150 रुपये था, जो अब 2750 रुपये को पार कर गया है। बाजार में तेल की कमी है और विशेष रूप से सूरजमुखी के तेल के भाव में करीब 600 रुपये और प्रति 15 किलो की बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। भारत में सूरजमुखी तेल का मुख्य रूप से यूक्रेन और रूस से आयात किया जाता है। लोगों ने खाद्य तेल का स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें भविष्य में पर्याप्त खाद्य तेल नहीं मिलेगा। इससे पहले समाचार एजेंसी रॉयट्स ने रिपोर्ट किया था कि खाद्य तेल की कमी की आशंकाओं के बीच लोगों ने इसे स्टॉक करना शुरू कर दिया है। वहीं बता दें कि भारत अपनी खाद्य तेल की 2/3 से अधिक मांग को आयात के जरिए पूरा करता है। भारत अपने सूरजमुखी के तेल का 90% से अधिक रूस और यूक्रेन से आयात करता है और कुल खाद्य तेल आयात में सूरजमुखी तेल आयात लगभग 14% होता है। तो ये थी बात कि कैसे बढ़ रही है खाने के तेल की कीमतें और लोगों ने इसका स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है। तो और बड़ी अपडेट्स के लिए और बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।